नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। सीएम ने कोरोना पीड़ितों और आम लोगों की सेहत पर पड़ने वाले असर को देखते हुए लोगों से पटाखों का इस्तेमाल न करने की अपील की है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि कोरोना महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में प्रदेशवासियों के जीवन की रक्षा सरकार के लिए सर्वोपरि है। आतिशबाजी से निकलने वाले धुएं के कारण कोविड मरीजों के साथ ही हृदय और श्वास रोगियों को भी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। ऐसे में दिवाली पर लोग आतिशबाजी से बचें। उन्होंने कहा कि पटाखों के बिक्री के स्थायी लाइसेंस पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने अपील करते हुए कहा कि मोहल्लों में कचरे को न जलाएं। ऐसे छोटे किंतु महत्वपूर्ण उपाय अपनाकर हम सभी पर्यावरण प्रदूषण रोकने और प्रदेशवासियों की स्वास्थ्य की रक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में सहयोग कर सकते हैं। दरअसल सीएम अशोक गहलोत ने रविवार की शाम को प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण की स्थिति, नो मास्क नो एंट्री और शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की समीक्षा की। इस दौरान अनलॉक 6 की गाइडलाइंस पर भी चर्चा की गई और दिशा निर्देश भी जारी किए गए। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि फिटनेस होने के बावजूद यदि वाहन निर्धारित मात्रा से अधिक धुआं छोड़ता पाया जाता है तो संबंधित फिटनेस सेंटर पर भी कार्रवाई की जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।